नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। एटा जनपद के अबागढ़ थाना क्षेत्र के अबागढ़ कस्बे में गारमेंट्स व्यवसायी प्रवीण गुप्ता की 6 वर्षीय पुत्री का संदिग्ध अवस्था में रामव्यारी नर्सिंग होम के पीछे मृत अवस्था में शव मिला। पुलिस प्रशासन मौके पर जांच में जुटा है। व्यवसायी के आवास पर कस्बे के व्यवसायियों की भारी भीड़ मौजूद है। लड़की के पिता ने बताया कि 1 घंटे पहले उसकी बेटी गायब हो गई थी। बाद में ढूंढने पर लोगों ने बताया कि बाईपास के पास एक लड़की की लाश मिली है। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है पिताजी? मेरी बच्ची गायब हो गई थी यहाँ से। जी, कब गायब हुई थी बेटी? हो गया 1 घंटे के करीब हो गया। अच्छा, तब उसके ढूंढे पड़े तब मालूम किसी ने बताया कि वहाँ बाईपास में वहाँ एक लड़की पड़ी है। अच्छा, तालाब में पड़ी थी या कई बार? ये मुझे मालूम नहीं है, मेरे छोटे भाई को पता है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल राठी है, मैं एटा उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। जी, आज यहाँ अबागढ़ में आपका दौरा हुआ है और एक घटना भी हुई है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो बच्ची के साथ 5 साल की बच्ची है, प्रवीण गुप्ता जी की बेटी है, शीटू गुप्ता जी उनकी बेटी है, और बहुत बुरी घटना हुई है। एटा उद्योग व्यापार मंडल इसकी घोर निंदा करता है, और SSP साहब से हमने यहाँ बात की। SSP साहब और एडिशनल साहब यहाँ आए हुए हैं, CO साहब वगैरह, उनसे हम लोगों ने कहा है कि इस घटना का तत्काल रूप से वर्कआउट करें। अगर वर्कआउट जल्दी नहीं किया तो व्यापार मंडल किसी भी स्तर पर जाके आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, चाहे बाजार बंद कराना पड़े या कुछ भी करना पड़े। वो घटना जो पकड़े जाएंगे अपराधी, उनसे कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी धाराएं हैं उनसे ज़्यादा भी उन पर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ओके सर। सर, आज अबागढ़ में एक 6 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली है, क्या प्रकरण है सर? आज शाम को अबागढ़ पुलिस को सूचना मिली है कि कस्बे से ही एक 5 साल की बच्ची गायब हो गई है और उसका शव मिला है, और मौके पर पुलिस आई है और प्रथम दृष्टया देखने से हत्या का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। फिर भी इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं, और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से छानबीन की जा रही है, और शीघ्र ही घटना के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मिले आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। शादी समारोह में गए युवा की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या हुई है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिचल घाट चौकी का है। पुलिस के अनुसार शादी समारोह में गए DJ संचालक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्षों में विवाद हुआ, बीच बचाव करने गए और ऐसे में मौत हो गई। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरे हमारी बहुत दादा, अरे हमारे बाबू का बहुत दादा। ज्योति भाई चाची के लड़का चाकू मारल गई बराती गोल रहन सीता जी, सीता जी के लड़का रहसन उनका वे मरले बड़सन। सहबलिया सहबलिया के दोस्त राजा भाई बाबा DJ अब सहबलिया सहबलिया के दोस्त बनकटो के लड़का रहसन ना पता ना हमी के तहने रहनी जा वो गलान पोस्टमार्टम खाती ना कृष्णा नगर 12 बजे रात के उतने टाइम यहीं पे कृष्णा नगर सिंची मंदिर यहाँ पे झगड़ा हुआ था रात को। हमारा जो भाई है चाचा का लड़का उसकी मार का हत्या कर दी गई है चाकू से। उसमें दूल्हा का भाई था जो आया था सीताब दियर से बारात, उसी में रुझा दुआ है। राजा कहीं यह गया था न्योता करने गठबंधन लाज पे, गठबंधन लाज पे हाँ चाकू से मारकर गुप्ती उपती वहाँ पे बनकट्टा कुछ लड़के थे और बारात वाले थे, यही जो पक्ष में झगड़ा हुआ था, यही जो लोग मारे हैं हाँ नशे में थे और राजा भी था।
किस तरह की सर घटना हुई थी क्या? यहाँ पे ये जो चौकी पिछला घाट है यहाँ पर एक घटना हुई थी कल रात में, जिस लड़के को चाकू लगी थी उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जांच की जा रही है, जैसी तथ्य आएंगे हम आपको बता सर। किसी की कोई पकड़ा नहीं गया? अभी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच जैसी चीजें हैं। सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी कुछ अभी सब देखते हैं, उसी सब सारी चीज सारे साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, जैसा होता हम आपको बताएंगे। श्रावस्ती की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद समाजवादी कार्यकर्ता और वोटर्स सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यहां तक कि बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने हाथों में इस्तीफा लिए घूम रहे हैं। इसका मुख्य कारण समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हाजी मोहम्मद रमजान को विधानसभा से टिकट न मिलना है। वैसे तो विधानसभा 290 से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कई बड़े दिग्गज अखिलेश यादव के दफ्तर की खाक छान रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी हाजी मोहम्मद रमजान की मानी जा रही थी, क्योंकि 2017 के चुनाव में महज 445 वोटों से ही इनकी हार हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद पहले बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले नए मेहमान असलम रायनी को यहां से उम्मीदवार बना दिया गया, जिसके बाद 290 विधानसभा में मानो तूफान सा छा गया है। लोग सड़कों पर उतरकर असलम रायनी का खुला विरोध कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देने पर उतारू हैं। मामला श्रावस्ती जनपद के 290 विधानसभा सीट श्रावस्ती का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सीधी टक्कर में दिखाई दे रहे थे, लेकिन हाजी मोहम्मद रमजान को समाजवादी से 290 विधानसभा से टिकट न मिलने पर यहां की लड़ाई में कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि भाजपा ने यहां से बीजेपी विधायक राम फेरन पांडे पर दोबारा दाव चला है, वहीं हाजी मोहम्मद रमजान भी इस सीट पर एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे थे, जो 2017 के चुनाव में महज 445 वोट से ही हारे थे, लेकिन पार्टी ने इनको बहराइच जनपद की मटेरा सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां पर हाजी मोहम्मद रमजान ने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया, बल्कि बहुजन समाज पार्टी से बगावत कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले असलम रायनी को अखिलेश यादव ने 290 श्रावस्ती विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद श्रावस्ती की राजनीति में एक बार फिर खलबली मच गई। समाजवादी पार्टी के वोटर और कार्यकर्ता पदाधिकारी असलम रायनी का खुलेआम विरोध करने लगे, सड़कों पर उतर आए, यहां तक कि समाजवादी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और हाजी रमजान से निर्दलीय चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन हाजी मोहम्मद रमजान ने समाजवादी की सेवा में अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारे हैं, जिनका दिल आज भी सपा छोड़ने को तैयार नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि अखिलेश यादव हाजी रमजान को कहां से चुनाव लड़ाते हैं। असलम रानी ने विधायक थे, यादव मुस्लिम से मामला बच गया, यादव मुस्लिम से मामला बच गया, उसके बाद में यादव को मुकदमा में नजायज तरीके से मार पीट कर बंद करा दिया। इसी यादव को यादव मुस्लिम के बैठ कर समझौता करा देती कि यह क्षेत्र के विधायक थे, उनको यादव से इतना लगाव है तो कम से कम यादव के बीच में उनका जाना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम कोनो मामला कराया चाहिए। मुकदमा हो रहा है, बहन मुकदमा वही मुकदमा है, पूरा जेल काट कर तब आए हैं और उसके बाद में है बहुत अच्छा काम करती हुए क्षेत्र से, तो दूसरे नवासी से चुनाव उनको लड़ना चाहिए, क्या दूसरे नवासी और दूसरे 90 अगल बगल में है, उसके बाद में है क्यों अपना अच्छा काम किया तो वहाँ से भाग के हैं दूसरे 90 में आए। दूसरे 90 से चुनाव लड़ेंगे असलम रानी जी तो दूसरे 90 में उनके असलम रानी का जमानत जब हो जाएगा, हाजी रमजान आएगा तो 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, अब से बाद 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, वो चुनाव हारे नहीं रहे, 2017 में हराया गया रहा, और असलम रानी ऐसा व्यक्त है ये हाजी रमजान ने कि हिंदू मुसलमान छोटे दलित दलित सब आदमी छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं हर गांव में कि हाजी रमजान के हो। हाजी रमजान ने 5 साल से इतना संघर्ष किया है कि घर घर चट्टी बरही दुर्गा पूजन दशहरा मेला शादी ब्याह सबके घरे पहुँचा, कोई भी ऐसा व्यक्त नहीं कि किसके घरे न पहुँचा हो। तो अभी तो आज असलम रानी ने नामांकन करा लिया है, और अगर हाजी रमजान साहब को आप लोग निर्दलीय लड़ाते हैं क्या फैसला है आप सभी लोगों का? हाजी रमजान निर्दलीय ले जाएंगे तो बहुत बड़ी उम्र से चुनाव जीतेंगे, आप देखते रह जाएगा और असलम रानी का जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा। दो चार लोग छोड़ छाड़ कर अगर ऐसा नहीं हुआ तो 290 की सीट कहाँ जा रही है? तब सीधे भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी ले जाएंगे, हाजी रमजान का चुनाव हो जाएगा सीधे सीधे। विधानसभा 290 में हाजी मोहम्मद रमजान जी ने 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, असलम विधायक जो बिनगा से आए हैं 2 दिन को आए भी हैं, और भैया अखिलेश ने उनका टिकट हाजी मोहम्मद रमजान का टिकट काट कर
असलम रानी को दिया है जो भैगौड़ा थे। ये बताइए 10 साल यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता था समाजवादी का, हाजी मोहम्मद रमजान जी आते थे और यहाँ पर असलम रानी आए हैं जो अपने भिनगा में पूरा सब हिंदू मुस्लिम करवा के भी आए हैं भिनगा से यहाँ पर आए हैं विधानसभा 290 में। उनको भिनगा से अगर ये विधायक थे वहाँ भिनगा का वहाँ से टिकट मारने चाहिए। 290 में टिकट क्यों मांग रहे हैं कि हाजी रमजान की? उनको यहाँ से कम 70-80 हज़ार रोड से जीत होगी और ये बात मान लीजिए। और असलम रानी आ गए यहाँ पर, उनका देख लीजिए अगर कोई जुगाड़ नहीं है और यही अगर जमानत जब हो जाएगी उनकी यहाँ से। ये जो आए हैं हाजी मोहम्मद रमजान जी ये बहुत बड़े नेता हैं और ये जो असलम रानी है अगर यहाँ पर लड़ जाएंगे तो उनका यहाँ दाल नहीं गिरेगा। जो भिनगा में करके आए हैं यहाँ पर उनका कल्याण नहीं होगा। यहाँ पर हमें पूरे विधानसभा 290 में हाजी मोहम्मद रमजान जी चाहिए। ये अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी इस पर विचार करें कि हमें 290 वाल विधानसभा में हाजी मोहम्मद रमजान चाहिए, न तो हम निर्दलीय हाजी मोहम्मद रमजान को सपोर्ट करेंगे। अभी आज असलम रानी ने नामांकन करा लिया, आपके नेता हाजी रमजान साहब कहाँ हैं? इस समय लखनऊ है भैया के पास में। अच्छा हैं, और नामांकन जहाँ जो जो जिला अध्यक्ष हमारे हैं सरबजीत यादव जी उनके साथ में है, उनके कहने से हम वोट नहीं देंगे उनको। हम हाजी मोहम्मद रमजान जी के हैं, हम इनको जाए निर्दलीय ले जाए से लड़े, हाजी मोहम्मद रमजान का मदद करेंगे। हेलो, रानी कुंडा के 290 के रहने वाले हैं। असलम रानी जो श्रावस्ती 290 से टिकट पाए हैं वो चुनाव यहाँ से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अपने वो बिरादर को भी ज़्यादातर यहाँ से श्रावस्ती 290 में ज़्यादातर पठान जात के लोग हैं, उनको एक गाली भी दिया है और उसके बाद में 290 में हिंदू मुस्लिम करवाता था। ऐसे कैंडिडेट को हम लोग यहाँ से वोट नहीं करेंगे और बहुत बहुत गंदा आदमी है वो, ऐसे कैंडिडेट को हम लोग वोट कभी नहीं करेंगे। अभी आज उनका नामांकन भी हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? नामांकन हो गया तो नामांकन से क्या होता है, हम लोग नामांकन हो गया उनका, लेकिन हम लोग हाजी मोहम्मद रमजान साहब के साथ में हैं। अगर हाजी मोहम्मद रमजान साहब किसी पार्टी से आते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे और उनका प्रचार करेंगे और उनको जितवाएंगे। अब उसके बाद में जितवा करके हम लोग यहाँ से, अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे उसके बावजूद भी उनको हम लोग 50,000 वोट से जितवा करके विधानसभा लखनऊ में भेज देंगे। तो क्या असलम रानी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ 290 में? 290 में वो 10,000 वोट नहीं पूर्ण कर पाएंगे और यादव तो हम तो यादव हैं, यादव को छोड़ करके उनके बिरादर भी वोट नहीं करेंगे उनको। पूरे बूथ के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, हम भी बूथ अध्यक्ष हैं रानी कुंडा के, हम भी इस्तीफा दे रहे हैं। अगर असलम रानी को कैंडिडेट नहीं बदलते हैं तो हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। रमजान साहब जो कहेंगे वो हम सब लोग करेंगे, उनका जो आदेश होगा। और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उनको निर्दलीय वोट दिया जाएगा और नहीं तो पार्टी छोड़ दिया जाएगा। तो विधानसभा 290 पर आज असलम रानी ने अपना नामांकन करा लिया, क्या कहना चाहेंगे? उनको वोट नहीं देंगे असलम रानी को, इतना सही होता तो अब भिनगा से ही लड़ता, यहाँ से क्यों लड़ता? लेकिन टिकट तो उनको अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव ने जिन्हें टिकट गलत फैसला ले लिया है, जिन्होंने 10 साल संघर्ष किया है, रमजान साहब जीते भी थे तभी जनता के बीच में थे, हार भी गए थे तो फिर भी जनता के बीच में थे, तो हमसे रमजान साहब के साथ में है, असलम रानी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, कहाँ जनता है इनके बारे में बताइए? जनता जिटड़ी की है, इटवरिया, लालपुर, खदरा, हर जगह के लोग हैं। सर्वे करा लिया अखिलेश यादव और असलम रानी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो हर समाज का वोट पाएगा वो चुनाव जीतेगा। एक जात से और दो जात से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है और रमजान साहब चुनाव हर समाज का वोट पाते थे, एससी बिरादरी उनके पूरी साथ थी और ये असलम रानी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कोई संगठन का आदमी उनके साथ नहीं है, संगठन के सभी लोग हाजी मोहम्मद रमजान के साथ हैं। अच्छा, जब से उनका टिकट फाइनल हुआ है तब से जो विधायक असलम रानी है आप लोगों के बीच में या इस क्षेत्र में कहीं दिखाई पड़े? कभी हम लोगों से बात भी नहीं हुआ असलम रानी से, अभी तक कोई बात नहीं हुआ। आज सुनने में आ रहा है कि उनका नामांकन भी हो गया और अभी संगठन के लोगों से बात तक नहीं हुआ। और असलम रानी जी कहते हैं कि अखिलेश के नाम पर वोट दे दो, तुम लोग अखिलेश के नाम पर दे दो। अगर हमारा प्रत्याशी यहाँ सही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या अखिलेश से मिलने वहाँ जाएंगे? आज हम लोग अखिलेश से कह रहे हैं कि प्रत्याशी बदल दो, आज अखिलेश नहीं मान रहे हैं तो क्या कल अखिलेश हमारा कहना मानेंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बता रहे हैं बूथ अध्यक्ष हैं, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का? जी, हम समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हैं कोना के और हम लोग क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ के लोग गाली देते हैं, इनका नाम सुनकर इनके नाम पर वोट मांगने जाते हैं तो वहाँ के लोग गाली देते हैं।
मारने तक खेल लेते हैं वहाँ के लोग, तो हम लोग क्षेत्र में कैसे जाएं? इसीलिए हम लोग आहत होकर और पार्टी से इस्तीफा देना चाहते हैं कि अब हम लोग पार्टी से, अगर इनको यहाँ से बदलाव नहीं करते हैं तो हम लोग पार्टी से इस्तीफा देकर और स्वतंत्र होकर वोट देंगे। और जो हमारे साथ कमेटी है, लोग बात कर रहे हैं, बराबर साथ चलने वाले हैं, सब लोग इस्तीफा देंगे और हम लोग स्वतंत्र होकर वोट देंगे कहीं दूसरे को। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे बात ना बनी हाजी रमजान की और उनको मटेरा भेजा गया, तब आपके आगे क्या ऑप्शन रहेगा? आपको तो असलम रानी को ही वोट देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तब नोटा का प्रयोग करेंगे, नोटा दबाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। या तो असलम रानी को निर्दलीय यहाँ से लड़ाएंगे, असलम वो हाजी रमजान को यहाँ से निर्दलीय लड़ाएंगे। वहाँ का टिकट विधायक जी ने वापस कर दिया है, हाजी मोहम्मद रमजान वहाँ से नहीं लड़ेंगे, यहाँ से हम लोग उनको निर्दलीय लड़ा के और यहाँ से विजयी बनाएंगे। यूपी के बुलंदशहर में रालोद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडों में आग लगा दी। ठंड से बचाव के लिए पार्टी के झंडे का सहारा लिया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आग में झोंके आरएलडी के झंडे। आपको बता दें कि चुनाव के पहले से ही आरएलडी के झंडे जलने लगे हैं। शिकारपुरा विधानसभा गठबंधन प्रत्याशी के कार्यवाले का ये वीडियो बताया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में अंडर ऑफिसर के रूप में शामिल हुई शालू मिश्रा का वापस लौटने पर अमेठी रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन अमेठी पर जैसे ही शालू ट्रेन से उतरी, एनसीसी के कैडेट्स और एनसीसी के लेफ्टिनेंट उमेश सिंह, उसके परिजन व क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ कॉलेज के प्राचार्य ने माला पहनाकर स्वागत किया शालू को। एनसीसी के कैडेट्स, प्रधानाचार्य, सभी लोग रेलवे स्टेशन से पैदल ही शोभा यात्रा निकालकर उसके कमरे तक पहुंचाया। शालू के पिता अशोक मिश्रा और माता बिंदु ने कहा कि बेटी ने नाम रोशन किया है, अमेठी का गौरव बढ़ा है। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी धनंजय सिंह ने कहा कि शालू छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेफ्टिनेंट उमेश सिंह ने कहा कि शालू के चलते महाविद्यालय का नाम रोशन हुआ है। प्राचार्य ओपी त्रिपाठी ने कहा कि शालू ने सिद्ध कर दिया है कि बिना साधनों के भी उच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है। आज ये बिटिया यहाँ आई है और इसकी कहीं ना कहीं सफलता के पीछे आपका भी बहुत हाथ रहा है, तो ऐसे में क्या आप कहना चाहते हैं? किसी की सफलता के पीछे केवल एक आदमी का हाथ नहीं होता है, पूरा हमारा महाविद्यालय परिवार, यहाँ तक कि जो भी महाविद्यालय ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उन सब लोगों का साझा प्रयास है कि आज यह बिटिया जो है, मेरी कैडेट, यहाँ तक पहुँची है। निश्चित रूप से हमारे महाविद्यालय के प्रबंधन, हमारी सचिव महोदया, हमारे महाराज जी, ये सभी लोग, इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दिया उस पर जो है हमने इन बच्चों के साथ मेहनत की और आज उसी मेहनत का परिणाम है कि ये बच्चे इस छोटे से कस्बे से उठ करके दिल्ली राजपथ की परेड करने योग्य हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।